त्रिगेंद्रीय सिंह, प्रोफेसर अक्षय गले, प्रोफेसर संजय सिंह, वधिगृह उसातिजा कराम पजारी साहिबान और मेरे साथी हो। रब का बेहद आसान व करम है कि मुझे इस पाकिजा महफिल में कोई देर लफसी करने का मौका दिया। मैं रब से दवा करता हूँ कि मुझे इस मौजू पर सही अल्फाज कहने की कोशिश। मेरे साथियों, सबसे पहले यही कहूँगा कि जख्मों को रफू करने इरशाद करे थे से, जख्मों को रफू करने इरशाद करे थे से, चलो साथियों अच्छे माहौल को आबाद करें थे से। आइए जरा अपने आसपास के माहौल पर नजर डालिए। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की माहौल में आलोदगी है। ये आलोदगी न सिर्फ हमारे आसपास के माहौल को गंदा करती है बल्कि से हमारे नदी नालों, गलियों और कुओं का पानी भी असर अंदाज हो रहा है और इससे हमारे पानी में रहने वाले मखलूक पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। मगर इस आलोदगी के कारण आज हमारे देश की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि जिससे गायों की तादाद, कारखानों की तादाद और जमीन में जमींदारों की तरफ से पैदावार को बढ़ाने के लिए कीमियाई खादों का इस्तेमाल, कीड़ेमार दवाइयों का इस्तेमाल, फैक्ट्रियों से कारखानों की चिमनियों से उठता धुआं और कारखानों का गंदा मादा हमारे माहौल को गंदा करने का काम आता है। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे पहले कह चुका, इसके लिए इंसान व इंसान खुद जिम्मेदार है क्योंकि आजकल का इंसान अपने आप का नहीं सोचता लेकिन दूसरों का सोचना चाहता है। लेकिन मिसाल इसकी महफिल की, आज हम अपने आप को सुधार नहीं सकते लेकिन दूसरों को सुधारने चलते हैं क्योंकि आज हमारी मिसाल हम दो मिनट इस क्लास में अपना पेशेंस बनाने के बरकरार नहीं रख सकते लेकिन चले हैं देश को सुधारने। मेरे साथियों, जब हमें दिल में जज्बा है, हमारे में जज्बा है कि हम आवाम को सुधारना चाहते हैं तो मेरे साथियों इसके लिए हमें खुद सबसे पहले खुद बदलना होगा क्योंकि वो कहते हैं कि नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, चांद बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। साथियों, खुद बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। इसे हमें सबसे पहले खुद बदलना होगा क्योंकि आज हमने यहाँ पे एनवायरमेंट ऑर्गेनाइज किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि आज हम इस दिवाली के अंदर एनवायरमेंट मुनक्किद किया लेकिन इस आवाज़ को हमें आवाम तक पहुँचाना होगा तब जाके इसका फायदा होगा। इस आवाज़ को आवाम तक पहुँचाना होगा तब जाके इस आवाज़ का फायदा होगा। न तो आवाज़ की चार दीवारी में गूंजेगी और मेरे साथियों कब तक की चार दीवारी में गूंजेगी। इस आवाज़ को आवाम तक पहुँचाना होगा और इस आवाज़ को बुलंद बनाना होगा। और किसी ने सच कहा है, भीगे हुए पलों से परवास करके देखो, भीगे हुए पलों से परवास करके देखो, साथियों अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देखो। आज देखा जाए तो मेरे साथियों वक्त बहुत कम है, हम तफसीली हो गए इस मुख्तसर से वक्त में मुमकिन है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ दो तीन मिनट में आप सबको बयान करता हूँ। कहते हैं कि आजकल मेरे साथियों हम देखें तो हर किस्म की आलूदगी हमारे माहौल में है। आजकल चिनाब से लेके हमारे आंगन से बहता है चिनाब, इसकी बात किए फोर वे की आपके सामने सिस्टर आई उन्होंने बोला कि फोर वे की बात की, किसकी बात करें, हर किस्म ने किसी क्लास की बात करें यहाँ पे भी आलोदगी है। ये शोर है, ये भी एक किस्म की आलोदगी है। यहाँ तक कि हमारी क्लास से लेके चिनाब नीचे वहाँ तक और देखिए जहाँ आपकी नज़र है हर तरफ आलोदगी आलोदगी है लेकिन इस आलोदगी का जिम्मेदार इंसान खुद ही है। लेकिन इस आलोदगी को रुकाने के लिए, इस आलोदगी को बचाने के लिए मैं आपसे पहले ही कह चुका कि हमें इसको खुद बदलना होगा। और वो कहते हैं कि सब खुला, यहाँ तक कि हमारी सब्जियाँ, खुराक, पानी, सब ये सब चीज़ें आलोदगी का शिकार हो गई है और कारखानों से निकलने धुआं वो भी एक आलोदगी का कारण हो चुकी है। और देखा जाए मेरा साथियों बहुत कम है, मैं आपके लिए अल्फाजों के साथ अवसर विदा होना चाहता हूँ। लास्ट में यही कहूँगा कि हम आजकल हर किस्म की आलोदगी से पूरी तरह बच नहीं सकते लेकिन मेरे साथियों इसे कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दखल लगाया जाए, दिलों झीलों दरियाओं और चश्मों पर रहने वाली आबादी को पानी के वसाइल से ज़्यादा दूर बसाया जाए, बड़े बड़े दरियाओं को शाफ बराफा तक नहीं ले जाना इकदाम उठाया जाए और मेरे साथियों ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में LPG के इस्तेमाल को यकीनन बनाया जाए तभी हम काफ़ी हद तक अपने दामन को साफ रख सकते हैं। और मेरे साथियों वक्त बहुत कम था, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेरे साथियों बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर सब निकले। खुदा हाफिज़।